अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, हर घर में खैर बरकत अता फरमाए, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में चावल की खीर और पूरी की रेसिपी लेके हैं। सवाली भी बोल सकते हैं आप, पूरी भी बोल सकते हैं। उसकी रेसिपी लेके आए हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स है ये सारे। मैं इसके लिए मैं 1 लीटर दूध पहले से बॉईल करके रख ली। मैं पूरा 1 लीटर दूध है ये, और 1 कप शक्कर है ये, आप अपने हिसाब से लीजिए। और तकरीबन 1 कप चावल है ये, 5 से 6 टीस्पून चावल है ये, बासमती चावल है। इसको मैं आधा घंटा पहले भिगा के रख ली थी। और ये साबूदाना है, ये साबूदाना तकरीबन 2 टीस्पून साबूदाना है ये, इसको भी पहले से 1 आधा घंटा पहले भिगा के रख ली मैं इसको। और 1 कप मैदा है ये, 1/2 कप रवा है ये, डालडा घी है ये 1/2 कप। बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए एक बॉल रख ली मैं, ये मैदा है ये, मैदे को मैं पहले से छान के रख ली। पूरा 1 कप मैदा है ये, रवा है ये, वन पिंच सोडा है ये, थोड़ा सरका 1 पिंच के होता सोडा डालेंगे अपन। 1/2 टीस्पून नमक है ये, अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। चलिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से, ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरह से मिक्स कर ली मैं। अब मैं आटा पिघा लूँगी ये, थोड़ा थोड़ा अपन पानी डाल के आटा पिघा लेंगे ये अच्छी तरह से। और ज़्यादा पतला नहीं रहना और ज़्यादा घट भी नहीं रहना, इसका डो मीडियम रहना बिल्कुल। और पूरी के लिए ज़रा घटी रहना आटा तो अच्छा रहता, पूरी अपनी अच्छी फूलती। चलिए आटा अच्छी तरह से गूंदी मैं। अब इसमें घी ऐड कर देंगे पूरा अपन, ये 1/2 कप घी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ऊपर से डालने से अलग क्रिस्पी और अच्छे बन के रेडी होते अपने पूरी। आप चाहे तो मिक्स करते वक्त भी डाल सकते घी आप। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया और कितना अच्छा नरम बन के रेडी हुआ। देखिए अपना आटा ऐसे ही चाहिए अपने को। अब इसको अपन तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। जैसा कि इसके अंदर अपन रवा भी डाले, ये रवा अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाना, रवा अच्छा फूल जाना इसमें, उतना रखेंगे अपन 1 आधे घंटे के लिए, उसके नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए मैं आटे को भिगा ली, आटे को रख दी साइड में। अब अपन चावल पीस लेंगे। चावल को तकरीबन मैं 1 आधे घंटे के लिए भिगा के रख ली थी। दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ मैं। जरिए जल में झटपट अपनी खीर भी बन के रेडी हो जाती, पूरी भी बन के रेडी हो जाती। चलिए ये अपन दरदरा सा पीस लेंगे अपन, कनकीदार पीस के बताऊँगी फिर मैं। चलिए देख सकते हैं कितना अच्छा पीसी, देखिए मैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस ऐसे ही चाहिए अपने को। चलिए नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया अपना। चलिए दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें अपन चावल पीस के रखे थे। आप चाहे तो सोना मसूरी चावल भी ले सकते हैं, मैं बासमती चावल ली, आप अपने हिसाब से। और चावल अपन देख के डालेंगे, बहुत गाढ़ी भी नहीं होना अपने को, बहुत पतले भी नहीं होना खीर। आप जो भी आपने अवेलेबल चावल है वो यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसको अच्छा पका लेंगे अपन चावल को, जब तक अपने चावल अच्छी तरह से पक गए तब। अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे अपन खीर को, नहीं तो अपने चावल नीचे पकड़ लेते हैं अपने। साथ ही अपन इसमें साबूदाना अपन भिगा के रख लिए थे, साबूदाना ऐड कर देंगे। आप अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं साबूदाने को, साबूदाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता खीर का। चावल और साबूदाना एक साथ पका लेंगे अपन दूध में। आप चाहे तो चावल को अलग से गला के भी डाल सकते हैं, मगर टेस्ट ही इसमें पकाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता, इसलिए मैं इसमें पका रही हूँ दूध में। अच्छा हिलाते रहेंगे अपन जब तक गाढ़ी खीर अपनी नहीं हुई तक, जब तक हिलाते रहेंगे अपन, नहीं तो नीचे पकड़ लेता।
बिल्कुल मीडियम आंच पर पका रही मैं इसको, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना नहीं तो अपने चावल नीचे पकड़ लेते। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कभी भी आपका झटपट खीर खाना दिल पूरा ज़बरदस्त बना के एंजॉय कर सकते हैं आप खीर। ये देख सकते हैं ज़रा गाढ़ापन आ गया, देखिए आप इसमें अभी पका लेंगे इसको अपन, अच्छा गाढ़ा हो जाना, अच्छा चावल भी गल जाना अपने, साबुदाना भी गल जा उतना पका लेंगे। चलिए देख सकते हैं मैं 5 से 8 मिनट्स हो गए मैं इस पर मीडियम आंच पे पका रही हूँ इसको, अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई। देखिए आप खीर अपनी, साबुदाना भी गल गया पूरा, ट्रांसपेरेंट हो गया साबुदाना भी, चावल भी गल गए अपने। थोड़ा भी 1-5 मिनट्स पका के अपन गैस ऑफ कर देंगे। चलिए अपनी खीर रेडी है, अब इसमें अपन शक्कर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए शक्कर, शक्कर को भी अच्छी तरह से पका लेंगे अपन। तकरीबन मैं 5 से 6 टीस्पून शुगर ली इसमें, शक्कर अच्छी तरह से पका लेंगे शक्कर को। नेक्स्ट अपन इलायची पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। आप चाहे तो अगर आपका नहीं साबित भी है तो ये डाल सकते हैं आप, मेरे पास पिसी हुई इलायची पाउडर थी। झटपट बन के रेडी हो गई, देखिए खीर कितनी अच्छी कितनी लजीज दिख रही खीर। और 2 टीस्पून इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे अपन। आप ये होममेड है आपको, फिर नेक्स्ट मैं होममेड आपको कंडेंस्ड मिल्क बनाना बताऊंगी मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कंडेंस्ड मिल्क से। इसको भी अच्छा पका लेंगे अपन। चलिए अच्छी तरह से सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गए, अपनी शक्कर भी घुल गई अच्छी तरह से, चावल भी पक गए और साबुदाना भी पक गया। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, आपके लिए जो भी अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स वो ऐड कर सकते हैं आप। चलिए रेडी है ये, अपन इसको साइड में रख लेंगे, अब पूरियाँ बना लेंगे अपन इसके। चलिए अपन आटा ले लिए, ये आटा को भिगा के रख लिया था अपन पहले से, माशाल्लाह बहुत अच्छा नरम आटा अपना गुने गया, देखिए कितना अच्छा हुआ आटा। अब इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से मसल लेंगे आटे को अच्छी तरह से, अच्छा नरम होना ये आटा। चलिए अब इसके पेड़े बना लेंगे अपन छोटे छोटे, आपको मैं सवालियाँ भी बनाना बताऊंगी, पूरियाँ भी बनाऊंगी इसके, आप पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं सवाली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इसके पेड़े बना लेंगे अपन। चलिए पूरे पेड़े बन गए अपने, अब अपने इसको अच्छे तरह से गोल कर लेके, आप इसको खुश्की जरी भी मत लगाइए, ऐसे ही बेलिए अच्छे बनते, ज़्यादा मेहनती नहीं है, आटा अपना अच्छा गुने गया, आटा अच्छा गुने गया तो आपको खुश्की की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए कितनी आसानी से बेल रही मैं माशाल्लाह। चलिए ऐसी ही पूरियाँ अपन बेल लेंगे, अगर आप चाहे तो कट भी कर ले सकते हैं, आप जितना आपको साइज चाहिए उतना साइज आप पूरी बेल के कट भी कर ले सकते हैं। मैं बराबर से साइज के बेल रही हूँ मैं, इस वजह से कटिंग की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। चलिए हो गए अपने पूरियाँ पूरे बन के रेडी हो गए, ये लास्ट है ये। चलिए फ्राई करना बताऊंगी मैं। चलिए देख सकते हैं एक कढ़ाई रख ली मैं, इसमें तेल डाल दी, तेल अच्छा गर्म होना, अच्छा बहुत गर्म होना और अच्छा भाप निकलना तेल में। वैसे तेल में अपन पूरी डालेंगे तो अपनी पूरी अच्छी फूलती, और ज़रा भी आप ठंडा तेल रहा ज़रा भी कुनकुना भी तेल रहा अगर आप पूरी डालेंगे तो नहीं फूलेंगी पूरी। ये इससे पहले मैं आपको ये पूरन पूरी भी बताई थी, चोबे की पूरी भी बताई थी, आज प्लेन पूरी है ये मैदे की। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी ही चाहिए था इतना को। देखिए कितना अच्छा फूली अपनी पूरी। अच्छा तेल अपना अच्छा गर्म हुआ था, ज़रा भी ठंडा नहीं था कि तेल अपना, इसलिए बहुत अच्छे पूरियाँ आपने फूले। देखिए आप, चलिए माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए ये भी कितनी अच्छी फूली पूरी। खीर के साथ बहुत अच्छे दिखते हैं ये पूरियाँ। आप इसको, अगर आपको सवालियाँ भी पसंद है, अगर आप सवालियाँ जो चुंगे जो बोलते हैं उसको आप पतले बारीक बहुत पतले बेल के आप इसको कड़क अच्छे तल के उस पर शक्कर बुरबुरा के खाए तो भी बहुत टेस्टी दिखते वो। चलिए ऐसे ही पूरे तल लेंगे अपन पूरियाँ अपने। चलिए देख सकते हैं पूरे के पूरियाँ तल के अपने रेडी है। चलिए अब सर्व करके बताऊंगी मैं। चलिए अब सर्व करेंगे अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई अपनी खीर। ये रजब का महीना है तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को, बहुत ईजी बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगी अपनी रेसिपी। चलिए इसको ठंडी करके ज़रूर इंजॉय करिए। चलिए साइड में अपन पूरी रख देंगे। माशाल्लाह देखिए आप, ज़रे भी धक्का नहीं लगे अपने पूरियों को, कितने अच्छे फूल के माशाल्लाह, बहुत अच्छे फूल के रेडी हुए अपने पूरियाँ। चलिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो यूज़ डालिए। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह से, देखिए पूरी अपनी कितनी नरम कितनी मुलायम बन के रेडी हुई। देखिए आप माशाल्लाह, देखिए कितनी नरम है। देखिए आप, बहुत अच्छी बनी पूरी अपनी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई है अपनी खीर पूरी की रेसिपी। प्लीज़ आप ज़रूर इंजॉय करिए ये रेसिपी को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। दुआओं में याद रखिए। शब्बा खैर।